वर्क एनर्जी पावर में एनर्जी के बारे में पढ़े थे, एनर्जी के बारे में। उसमें हम बताए थे कि अगले वीडियो में हमें पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, क्या होता है थ्योरम और इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। उससे पहले जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं गया है उन लोगों के पास शेयर कीजिए। चलिए अब आते हैं हम वीडियो पे, वर्क एनर्जी थ्योरम पे। क्या बोलता है ये थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है कि किसी बॉडी पे लगाया गया फोर्स किसी बॉडी पे डिफरेंट फोर्स के द्वारा, चाहे वो फोर्स इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इन सारे फोर्स के द्वारा जो किया गया टोटल वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय डिफरेंट फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन द बॉडी। ये कौन बताता है? ये वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है कि यदि एक बॉडी है इस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो इन सारे फोर्सेस के द्वारा जो किया गया कार्य इसमें होगा, वर्कडन जो होगा, वो वर्कडन किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है। एकदम बेसिक सा एग्जांपल, मान लिया जाए कि यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है, एक F2 फोर्स लग रहा है और एक F3 फोर्स लग रहा है। इन तीनों फोर्सेस के वजह से मानते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लिया जाए कि 10 मीटर पर सेकंड था और यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तब ये जो बताता है वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार क्या होगा कि हम यहाँ पे अगर इसमें निकालना हो कि इसमें कितना टोटल वर्क डन हो रहा है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ये चेंज निकाल लेंगे, तो वही हमको क्या बताएगा? टोटल वर्क डन बताएगा इन तीनों फोर्सेस के द्वारा। चलिए हम देखते हैं आगे, यानी इसको अगर हम फॉर्मूला के रूप में लिखें तो टोटल वर्क डन बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तब क्या होगा? डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कौन बताता है? ये बताता है वर्क एनर्जी थ्योरम। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इस पे हम लोग बेस्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, उससे पहले इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हम लोग प्रूफ करते हैं, सबसे पहले इसको मिटाते हैं और इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करिए, हम लोग कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास mkg इज मूविंग एज अ स्टार्ट मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v
u and final velocity v, then and with constant acceleration a and cover distance s. तो हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि एक बॉडी है, एक बॉडी है जो कितना उसका मास है, m kg मास है, और वो स्टार्ट कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन a एंड कवर डिस्टेंस s. ऐसा कब होता है? मानते हैं कि ढेर सारा फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स की वजह से ऐसा उसमें हो रहा है. तब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, हम लोग टोटल वर्क डन बराबर क्या पढ़े थे, हम लोग टोटल वर्क डन निकालते हैं. अब बेसिक वाला फार्मूला में जाइए, टोटल वर्क यहाँ पे फोर्स ड्यू टू लिख सकते हैं, ड्यू टू अप्लाई ए कॉन्स्टेंट और वेरिएबल फोर्स F. यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल कोई भी फोर्स हो सकता है. उन सारे के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि इसका प्रूफ यानी टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे आता है. हम लोग क्या कहें, कंसिडर कहें कि एक बॉडी का मास कितना है, m है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट करके v तक जाता है, और किसके द्वारा एक फोर्स लगाया गया है, एक या जो भी हो फोर्स, वो फोर्स कैसा हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है. अगर हम लोग वेरिएबल वाला रख करके चलते हैं तो कांस्टेंट वाला के लिए भी वेरिएबल वाला फार्मूला पे अप्लाई हो जाएगा. तब बताइए कि हम लोग क्या पढ़े थे, टोटल वर्क डन बराबर यदि फोर्स कैसा लग रहा हो, वेरिएबल लग रहा हो. तब हम लोग पढ़े थे W बराबर F इंटू डी एस, यही पढ़े थे हम लोग, F इंटू डी एस. अब इसी का हम लोग यूज करके इसको प्रूफ करेंगे. इससे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं. चलिए देखिए, W बराबर क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन बराबर F इंटू डी एस. F बराबर क्या होता है, F बराबर एम ए, जहाँ पे एम क्या है, एम मास ऑफ बॉडी और ए एक्सेलरेशन. हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं एफ का वैल्यू एम ए, यानी एम ए डी एस, एम ए डी एस. एम कॉन्स्टेंट है, ए का वैल्यू, एम का वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है. हम लोग रख देंगे, हटा देंगे, इसको बाहर कर देंगे, ए डी एस. अब ए बराबर हम लोग एक और जानते हैं फार्मूला, चूँकि a बराबर डी वी बाई डी टी हम लोग पढ़े थे, पढ़े थे डी वी बराबर डी टी. अब अपने से इसमें हम लोग क्या करते हैं, डी एस बाई डी एस. जब हम प्रूफ करवा रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें ऐसा बताए थे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर करेंगे डी वी बाई डी एस और डी एस बाई डी टी. डी एस बाई डी टी का नाम क्या होता है, भी. a बराबर क्या हो गया, इसका नाम हो गया भी और इंटू डी वी बाई डी एस, डी वी बाई डी एस. इस ए का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, एम का एम, ए का वैल्यू कितना आया है, वी इंटू डी वी बाई डी एस, और पहले से डी एस था, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया. यानी अब क्या बचा मेरे पास, एम का एम और ये डी एस से डी एस कैंसिल, यानी वी और ये डी वी. अब ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे डी एस के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, तब यहाँ पे क्या लगता था, एस वन से एस टू तक. लेकिन अब यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी वी, चेंज इन वेलोसिटी. अब यहाँ पे अगर ये है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू से भी. ये सब चीज़ हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं और क्लासरूम में भी बताए हैं इसके बारे में. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, एम भी डी वी बाय, कौन से फॉर्मूला पे, एक्स के पावर एन को अगर इंटीग्रेट करना हो तो एक पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. तो भी है यहाँ पे, कुछ नहीं पावर तो वन है, तो इसका इंटीग्रेशन भी के पावर टू और बाई टू
कहाँ से कहाँ तक, यू से भी तक, यू से भी तक, और एम का एम पहले से। आगे हम लोग इसको लिमिट को हटाएंगे तो एम का एम रहने देते हैं, एक बार भी और एक बार यू, पहले भी रखेंगे तो भी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो एम भी स्क्वायर बाई टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू। ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो अगर ये फार्मूला अगर लगाते हैं हम लोग तो ये एम भी स्क्वायर बाई टू काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, और ये भी कौन सा है फाइनल, इसलिए कौन सा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये टोटल वर्क डन बराबर, ये हो गया प्रूफ। अब हम कुछ इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे, इसको नोट कीजिए। हम फिर से बोलेंगे, जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं गया है या जो लोग बैठ करके अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब क्लास खुलेगा, तो इंतज़ार नहीं कीजिए, जो व्यवस्था हो रहा है उसे पढ़ाई कीजिए और इसका नोट्स ज़रूर बनाइए कॉपी में, क्योंकि जिस दिन भी क्लास खुलेगा उसे चेक किया जाएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल हम बनाते हैं। मान लिया जाए इफ़ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, इफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg स्टार्ट मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट टोटल वर्क डन। तब क्या करना है, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक बॉडी का द्रव्यमान कितना है 10 kg है, वो स्टार्ट करता है मूवमेंट करना विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट टोटल वर्क डन। अब वर्क डन निकालना है तो हम लोग वर्क डन के लिए कितना फार्मूला जानते हैं। देखिए पहला वर्क डन बराबर क्या पढ़े थे, एफ इंटू एस, उसके बाद पढ़े थे एफ इंटू एफ डी एस, इस तरीके से पढ़े थे। देखिए तो अगर हमको एफ का वैल्यू मिला होता और एस का वैल्यू मिला होता तब हम लोग ये वाला लगाते, लेकिन क्या कुछ इसमें है नहीं है, तो हम लोग एक और फार्मूला अभी अभी पढ़े हैं, W बराबर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल करके काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल कर क्या कर देंगे, घटा देंगे, तब टोटल वर्क डन मिल जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। अब देखिए तो मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी मास दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, निकाल कर रख देंगे। चलिए इसको निकालते हैं, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए टोटल वर्क डन बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, रख देंगे 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, 1/2 एम, एम का वैल्यू कितना है 10 kg, वी का वैल्यू कितना है, वी यानी फाइनल वेलोसिटी 20, 1/2 एम दोनों कॉमन है इसलिए निकाल लेते हैं, वी का वैल्यू 20 का स्क्वायर माइनस यू का वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर 1/2 एम, एम का वैल्यू 10, 20 में से 400 माइनस 10 दें 100 यानी 300, 5 यानी कितना हो गया 1500 जूल्स, क्या हो गया इसका आंसर हो गया। इनको नोट करना है, नोट कीजिए। दूसरा नंबर का हम लोग देखते हैं, thank you.
if a body of mass, if a body of mass 5 kg, if a body of mass 5 kg is displaced due to applying a force, if a body of mass 5 kg is displaced due to applying a force from rest, then in time 10 second, it cover a distance,20 meter, and then calculate total work done. क्या दिया क्वेश्चन में, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 5 kg, इज डिस्प्लेस यानी ये मूव करता है ड्यू टू अप्लाइंग ए फोर्स, एक फोर्स लगाने की वजह से ये बॉडी क्या करता है मूव करता है, फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से, एकदम विराम अवस्था से यानी जीरो से, जब उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो, देन इन टाइम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वो, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 10 सेकंड में वो कितना मीटर का दूरी तय करता है, 20 मीटर का दूरी तय करता है, देन कैलकुलेट टोटल वर्क डन. तो क्या पूछ रहा है, टोटल वर्क डन, आप लोग इसको बनाइएगा, हमें तो यहाँ समझा दिया क्वेश्चन को, चलिए इसको देखते हैं हम लोग, टोटल वर्क डन निकालना, टोटल वर्क डन निकालना है तो कैसे निकलेगा, हम लोग अभी पढ़ें, वर्क डन बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर. अगर फाइनल वेलोसिटी हमको मिल जाए, वी का वैल्यू मिल जाए, यू का वैल्यू तो पता है, यू का वैल्यू कितना है फ्रॉम रेस्ट यानी जीरो, अगर हमारा फाइनल वेलोसिटी मिल जाए तब हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल वर्क डन इसका कितना होगा. अब हमको फाइनल वेलोसिटी वी का वैल्यू पता करना है, यू का वैल्यू दिया हुआ है जीरो, टी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, टी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, और एस का वैल्यू दिया हुआ है कितना, एस का वैल्यू 10 सेकेंड दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, तो कैलकुलेट कर लेंगे. अब इससे भी बना सकते हैं, और डायरेक्टली ए का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लें, ए का वैल्यू निकाल लें तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस, एस का वैल्यू दिया हुआ है, एफ बराबर एम ए, डायरेक्टली ये वाला फार्मूला से ही बना सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं तो इस वाले फार्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से भी का वैल्यू निकालेंगे और भी का वैल्यू पुट करके रख करके देखेंगे और उससे देखते हैं और इससे बनाते हैं, दोनों से अगर न्यूमेरिकल का आंसर सेम आएगा तो समझेंगे सही है. अब आप लोग इसको बना करके कमेंट कीजिएगा, आंसर बताइएगा, हम इसको आगे बढ़ते हैं. नोट की इसको नोट कर लीजिए, अब न्यूमेरिकल जो भी होगा बुक में वो न्यूमेरिकल बुक वाला भी बनाइएगा. अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे पावर, एक टर्म छोटा था वर्क एनर्जी एंड पावर, पावर वाला चलते हैं और इसके बाद ये वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा. पावर,
पावर यानी शक्ति, हिंदी में शक्ति, क्या होता है पावर। अभी तक हम लोग पढ़े थे वर्क और एनर्जी, पावर क्या होता है। तो पावर बोलते हैं कार्य करने का रेट को, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब क्या होता है, हम बताए थे किसके रिस्पेक्ट में रेट निकालना है, ये बात भी बताया गया, रेट किसके रिस्पेक्ट में का, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब यहाँ पे नहीं बोला गया है तो हम लोग को जनरली किसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसी कार्य करने का दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, क्या बोलते हैं, पावर। अब इसका मतलब क्या होगा, मान लिया जाए कि आप काम करते हैं, वर्क करते हैं, मान लिया जाए आप वर्क करते हैं 10 जूल, आपका वर्क का वैल्यू कितना है 10 जूल। ये कितना टाइम में आप करते हैं, मान लिया जाए कि आप वर्क किए ये 10 सेकेंड में, और एक और वर्क करते हैं 10 ही जूल का, वो करते हैं 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में। तब देखिए दोनों का पावर क्या हो जाता है, नहीं बोलते पावर, आपके पास पावर ज़्यादा है या मेरे पास पावर ज़्यादा है, इस पावर को पता कैसे करेंगे। तो देखिए कार्य करने का क्षमता, पावर करने का मतलब ज़्यादा करने का मतलब क्या हो गया, हम आपसे ज़्यादा लड़ेंगे, यही बात करते हैं, मेरे पास ज़्यादा पावर है, आप एक को मारिएगा हम दो को मारेंगे। इसका मतलब ये हुआ आप एक को 5 मिनट में मारिएगा और एक को हम 2.5 मिनट में मार देंगे, तभी ना मेरे पास ज़्यादा पावर हुआ। यहाँ पर सेम बात है, वर्क 10 जूल वर्क ये 10 सेकंड में करता है तो रेट क्या हो जाएगा, रेट बराबर कैसे निकालते हैं हम लोग, रेट टाइम से डिवाइड करते हैं, तो 10/10 यानी कितना हो जाएगा 1 पावर इसका हो जाएगा। लेकिन दूसरा देखते हैं, वर्क 10 जूल ही 20 सेकंड में करता है, तब इसका पावर कितना हो जाएगा 0.5। देखिए यानी मानते हैं कि ये एक आदमी है, एक आदमी को मारने में आप कितना लगा रहे हैं 10 सेकंड लगा रहे हैं, और एक आदमी को मारने में ये 20 सेकंड लगा रहा है, तो बताइए किसके पास ज़्यादा पावर होगा। अब असली है कि आप 10 सेकंड में ही काम तमाम कर देते हैं और ये 20 सेकंड में कर रहा है, यानी जो 10 सेकंड में कर रहा है उसके पास पावर क्या है ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे एक आया और जो 20 सेकंड में कर रहा है उसके पास कितना है 0.5, यानी आधा है। अब इसका यूनिट क्या होता है और ये कैसे निकलता है, इस पे न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें दो दो टाइप। चलिए इसका यूनिट होता है, इट्स एसआई यूनिट इज वाट, इट्स एसआई यूनिट इज वाट, इसका एसआई यूनिट क्या होता है वाट। इट फॉर्मूला लिख देते हैं, पावर बराबर क्या हो जाएगा एनर्जी बटा टाइम, एनर्जी बटा टाइम, ये हो गया क्या इसका फार्मूला। हम रेट निकालने के लिए बताएं यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में ही रेट निकाला जाएगा, अगर क्वेश्चन में नहीं भी बताया गया है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही नहीं, कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में या किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, डायमेंशन देख लें वाट, यूनिट देख लेते हैं इसका वाट का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, एनर्जी, एनर्जी बटा टाइम, एनर्जी का हम लोग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और बटा टी एक और टाइम नीचे है तो सेकंड एक और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 सेकंड, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा केजी का क्या होगा एम के पावर 1, एम यानी एल के पावर 2 और टी के पावर -3, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। अब एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं और इसके बाद ये चैप्टर खत्म। इफ अ मैन डूइंग वर्क, इफ अ मैन डूइंग वर्क
हंड्रेड जूल जूल्स इन 10 सेकेंड्स एंड अनदर 20 seconds. Then which man have more power? एकदम एग्जांपल जो समझ में आए उसी प्रकार से हम लोग एग्जांपल लिए हैं. एक आदमी है जो काम करता है 100 जूल. मैन डूइंग वर्क 100 जूल इन 10 सेकेंड. आदमी कितना सेकंड में काम करता है? 10 सेकंड करता है. और बोल रहा है अनदर मैन डन सेम वर्क, इसी काम को यानी 100 जूल को ही कितना सेकंड में करता है? 20 सेकंड में करता है. तब पूछ रहा है कि देन विच मैन हैव मोर पावर, किस आदमी के पास ज़्यादा पावर है. अभी अभी हम बताए थे कि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा वो कम ही टाइम में क्या कर देगा, ज़्यादा काम को कर देगा. जिसके पास ज़्यादा पावर रहेगा, हम लोग निकाल लेते हैं पावर के लिए. तो फर्स्ट मैन के लिए पावर कितना हो जाएगा? पी बराबर क्या जानते हैं? एनर्जी बटा टाइम. एनर्जी का वैल्यू 100 बटा टी का वैल्यू 10 यानी 10 वाट इसके पास पावर है. लेकिन दूसरे वाले के पास क्या हो जाएगा पावर? पी टू बराबर कितना हो जाएगा? एनर्जी, सेम एनर्जी, कितना टाइम में? 20 में, यानी कितना हो जाएगा? 5 वाट. तो डिफरेंट किसके पास ज़्यादा है? पी1 के पास ज़्यादा है. अब पूछता कि डिफरेंट कितना है दोनों के पास? 10 में से 5 ज़्यादा तो 5. ये नंबर के लिए हम बताए हैं, एक आप लोग को बनाने के लिए देते हैं. ए बॉडी मूव्स 100 मीटर. ए बॉडी मूव्स 100 मीटर इन 100 मीटर इन 10 सेकेंड. 100 मीटर इन 10 सेकेंड विथ कॉन्स्टेंट. इफ अ बॉडी मूव्स 100 मीटर ड्यू टू अप्लाइंग ए फोर्स 20 न्यूटन then calculate the power if mass of body is 10 if mass of body is 10 kg and time taken इट्स 5 सेकेंड. क्वेश्चन समझा देते हैं और आगे बनाइएगा आप लोग. क्या बोल रहा है? एक बॉडी है जो मूव करता है 100 मीटर, यानी 100 मीटर की दूरी तय करता है. कब? ड्यू टू अप्लाइंग अ फोर्स, एक फोर्स लगाने की वजह से, जिस फोर्स का वैल्यू कितना है? 20 न्यूटन. 20 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से बॉडी कितना मूव करता है? 100 मीटर का दूरी तय करता है. देन कैलकुलेट द पावर. पावर को क्या करना है? कैलकुलेट करना है इफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी कितना है, यानी बॉडी का द्रव्यमान 10 केजी है और 100 मीटर का दूरी तय करने में वो कितना टाइम लगाता है? 5 सेकंड का टाइम लगाता है. आप लोग पावर निकाल करके और बताइएगा आंसर कमेंट में. अब अगले वीडियो में क्या होगा? अभी तक पावर एनर्जी देखे थे और ये चैप्टर पहले भी पढ़ा हुआ था कुछ लोगों का. इसके बाद आएगा NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा हुआ होगा. जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में आए हैं उन लोगों का पढ़ा हुआ नहीं है. तो सारे लोगों को बताइए कि NDT अब स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को ज्वाइन करें और पढ़ाई करें और नोट बनाएं. इट्स का नोट्स PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. थैंक यू.